तो अभी इंडियन कॉइन के प्राइस की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है। ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो $2.18 पहुंच गई थी और थोड़ा सा हमें 15 मिनट के चार्ट में करेक्शन देखने को मिला है और थोड़ा सा हमें इसमें रिट्रेक्शन जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है उसकी अगर बात करेंगे और उसकी प्राइस जो है ऑल टाइम हाई से अभी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जो है वो $4 पर पहुँच गया था। अगर बात करें वीकली में इसकी प्राइस की तो यहाँ पर वीकली में हम देखें तो प्राइस जो ऑलमोस्ट $4 तक पहुंच गया था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.14 सेंट से और 2.60 USDT पर इसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होता है तो इसके प्राइस में हमें और अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आपकी बाइंग की और किस टाइप से आपको प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना, होल्डिंग करनी है। तो देखिए इंजन कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है, अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो इसमें आप होल्डिंग आराम से रख सकते हैं। अमाउंट जो है आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए आपकी बाइंग जो है अगर यहाँ पर भी इस रेंज में भी है, जब अभी थोड़ा सा प्राइस में बाउंस बैक देखने को मिला था, प्राइस ऑलमोस्ट 100 INR इसकी प्राइस पहुँची थी, 110 तक पहुँची थी, यानी ऑलमोस्ट 1.20 1.30 सेंट पर भी अगर आपकी बाइंग है तो भी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो हो रहा होगा। ऑलमोस्ट 50-60% प्रॉफिट आपको आराम से हो रहा होगा और अगर आपकी बाइंग है वो इससे भी कम पर है तो फिर आपको ऑलमोस्ट 70-80% प्रॉफिट हो रहा होगा। तो देखिए हमेशा बाई और सेल की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी इस टाइप से होनी चाहिए। फर्स्ट तो आपको बाई करना है तो टोटल जो अमाउंट है आपका वॉलेट में जो अमाउंट है आप कितना बाय कर रहे हैं उसका ऑलमोस्ट आपके पास 20-25% आपको हमेशा वॉलेट में रखना है, क्योंकि एक जो डिप आती है एक अच्छी खासी एंट्री के लिए आपको अमाउंट रखना है। दूसरा आपको बाय करना है तो स्टेप बाय स्टेप में बाय करना है कि हाँ एक डिप आया है वहाँ पर पूरे अमाउंट नहीं लगाना है। तो इस टाइप से आपकी अगर बाइंग है तो इस टाइप का आपको सेल आउट करना, आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको अगर 20-25% प्रॉफिट हो रहा है 3-4 दिन में, ऐसा रेगुलरिटी आपकी बनी हुई है किसी कॉइन में आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, आज किसी में 2-3 दिन बाद 15% प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पर 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको थोड़ा थोड़ा बुक कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत आपने जितना पैसा लगाया है उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत मिलता रहे, आपको 400 200 400 500 इस टाइप से आपको डेली का आप इसमें से निकाल सकें, तो ये रहता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग कर रहे हैं आप और ट्रेडिंग के बारे में आपको नॉलेज है तो आपको 20-25% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा होगा। आपने अगर कल भी बाय किया होगा तो भी आपको आराम से हो रहा होगा क्योंकि यहाँ से 24% ऑलमोस्ट ये बढ़ी गया है कल से अभी तक, तो इतने प्रॉफिट में आपको आराम से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए थोड़े अमाउंट का, और कुछ अमाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप खुद अपनी रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर सिर्फ मैं एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट बुक किस टाइप से करना चाहिए और किस टाइप से नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि आपको अभी प्रॉफिट बुक ही करना है, ठीक है, लेकिन करेक्शन हमें देखने को मिलता है, थोड़ा करेक्शन इसके प्राइस में देखने को मिलेगा हमें और वापस थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मतलब वहाँ पर एक वापस अपनी जो एंट्री है ऑलमोस्ट 150 INR पर या फिर बात करें ऑलमोस्ट 2 USDT पर आप इसको बाय कर सकते हैं, अच्छी खासी आपकी एंट्री रहेगी। यही सारी चीज़ें, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, थैंक यू।